व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। दही बल्ले बना रहा हूँ आज, जिसे दही वड़े भी कहा जाता है। और इस रेसिपी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भल्ले एकदम सॉफ्ट वाले, जैसे कॉटन जैसे सॉफ्ट भल्ले कैसे बनाते एकदम परफेक्ट तरीके से, उस चीज़ की सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको एक मैजिक दही बल्ले के मसाले की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी सीक्रेट मसाले की रेसिपी है, जिससे दही बल्ले जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाते हैं, बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। गर्मी का सीज़न है, ठंडे ठंडे दही बल्ले खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। सबसे पहले दही बल्लों के लिए भल्ले कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। दही बल्ले बनाने के लिए मैं दो दालों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आधा कप धुली हुई मूंग दाल ले ली है और एक कप उड़द दाल ले ली है। इन दोनों ही दालों को अलग अलग आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए आपको पानी में भिगो के रखना है। भिगोने के बाद आपको इसका पानी निकाल देना है। पानी निकालते ही आपको दालों को अच्छे से धो लेना है फिर से, और फिर आपको इन दालों की पेस्ट बनानी है। दालों को आपको अलग अलग पीसना है। सबसे पहले मैं उड़द दाल को पीस रहा हूँ, तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेकर इस उड़द दाल को पीस लीजिए। दाल को पीसते समय आपको कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। मैं यूजुअली 2 से 3 टेबलस्पून बस पानी यूज़ करता हूँ उड़द दाल को पीसने के लिए। तो एकदम फाइन पेस्ट आपको बना लेनी है इस उड़द दाल की। अब देख सकते हो मैंने अच्छे से दाल को पीस लिया है, इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा दाल का। अब इस दाल को आप एक बड़े से बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आपको मूंग दाल को भी सेम तरीके से पीस लेना है। मूंग दाल की भी एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। मूंग दाल आसानी से पिस जाती है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो एकदम कम पानी आप यूज़ कीजिए इसके अंदर, और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हो मैंने मूंग दाल को भी अच्छे से पीस लिया है। इसे भी अभी बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर देना है। नमक ऐड करते ही अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब इस बैटर को आपको अच्छे से फेंटना है। ये वाला जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम फ्लफी और सॉफ्ट भल्ले बनाने के लिए। तो अच्छे से 8 से 10 मिनट के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से फेंटना है। आप एक विस्क भी यूज़ कर सकते हो, बट हाथों से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेटर आएंगे। साफ हाथों से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इस तरीके से फेंटिए 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि जो बैटर है वो एकदम लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। इसका रंग भी जो है थोड़ा सा पेल वाइट कलर का हो जाएगा और एकदम फ्लफी और लाइट हो जाएगा ये बैटर। अब बैटर को मैंने अच्छे से एकदम फेंट लिया है। इसको टेस्ट करने के लिए आप इस तरीके से एक चम्मच से बैटर को उठा लीजिए और चम्मच को उल्टा करके देखिए। आपका बैटर जो है इतना लाइट हो जाएगा कि गिरेगा नहीं। आप पानी में भी थोड़ा सा बैटर डाल के देख सकते हैं, बैटर जो है पानी के ऊपर तैरना चाहिए। हमारा बैटर तो बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। 1/4 कप किशमिश ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, और अभी 1 इंच अदरक को ग्रेट करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। एकदम लाइट हाथों से आपको मिक्स करना है। इसमें जो हवा हमने इनकॉर्पोरेट की है उसे निकलने नहीं देना है। तो लाइट हाथों से मिक्स कर लो, और हमारा अभी जो दही भल्ले का बैटर है वो रेडी हो गया है। दही भल्लों को फ्राई करने से पहले यहाँ पर एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ। तो एक बोल के अंदर ल्यूकवम यानी गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए, साथ ही में एक चुटकी भर नमक और 1/2 टीस्पून हींग। ये हींग वाला आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी तैयार करके रखना है। इसमें हम भल्लों को सोक करेंगे। अब भल्लों को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म कर रखा है। मॉडरेटली हॉट आपको ऑयल चाहिए, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तेल मत लीजिए। 170 डिग्री सेल्सियस पर आपका ऑयल होना चाहिए। अपने हाथों पर आइस कोल्ड वाटर लगाइए ताकि बैटर आपके हाथों पर चिपके नहीं। थोड़ा सा बैटर ले लीजिए और धीरे से गर्म तेल के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। तेल के अंदर भल्ले को ड्रॉप करते ही उसके ऊपर हल्के हाथों से ऐसे तेल छिड़किए। गरम तेल जब भल्लों के ऊपर पड़ेगा तो भल्ले जो हैं अच्छे से चारों साइड से सील हो जाएंगे और अच्छे से फ्लफी बनेंगे, एकदम गोल बन जाएंगे। तो इसी तरीके से केयरफुली भल्लों को ड्रॉप कीजिए गरम तेल के अंदर और ऊपर तेल छिड़किए, और मीडियम हीट पर भल्लों को आपको फ्राई करना है थोड़ा बहुत टर्न करते हुए, लगभग जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। एकदम हाई फ्लेम पर अगर भल्लों को आप फ्राई करेंगे तो भल्ले अंदर से कच्चे रह जाते हैं, वो कई बार कंप्लेन आती है। तो एकदम मीडियम हीट पे आराम आराम से भल्लों को आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब आप देख सकते हो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं भल्ले, एकदम अच्छे से पक चुके हैं। इस स्टेज पर आपको भल्लों को निकाल लेना है और इमिजिएटली जो हमने गुनगुना हींग का पानी तैयार किया था उसके अंदर डाल देना है। भल्लों को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए आपको इस गुनगुने हींग के पानी में भिगो कर रखना है। क्या होगा, भल्ले जो है पानी पी जाएंगे अच्छे से और भल्ले सिंक हो जाएंगे नीचे। एक बार आपके भल्ले अच्छे से सोख हो जाएं तो भल्लों को ले लीजिए और एकदम हल्के हाथों से इसको निचोड़ना है, और थोड़ा इसमें से जो पानी है आप निकाल सकते हैं उतना पानी आपको निकाल लेना है। एक बार आपने पानी निकाल लिया इसमें से, तब आपके जो भल्ले वो रेडी हो गए चाट बनाने के लिए।
तो भल्ले हमने तैयार कर लिए हैं और इस तरीके से अगर आप भल्ले बनाओगे तो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी भल्ले बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा ये दही भल्ले खाने में। अब दही भल्लों के लिए एक जो फ्लेवरिंग है, जो मेरा मैजिक दही भल्ले वाला मसाला है, एकदम सीक्रेट रेसिपी है, उससे ये भल्ले जो हैं बहुत ही डिलिशियस लगते हैं। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है, अच्छे से एकदम भुना हुआ जीरा होता है, उसको एकदम अच्छे से भुनना होता है और ये जो मसाला बनता है थोड़ा ब्लैकिश रंग का बनता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश रंग का बनता है और ये दही वाली चाट की रेसिपीज़ में बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला मसाला कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी देख लेते हैं। एक गरम पैन के अंदर 5 टेबलस्पून जीरा ऐड कर रहा हूँ। अब जीरे को आपको एकदम लो फ्लेम के ऊपर, एकदम धीमी आंच पर आराम आराम से इसको रोस्ट करना है, इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि एकदम डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का नहीं हो जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जीरे को भूनने का, इसी से आपके जो दही भल्ले का मसाला है उसमें एक पर्टिकुलर जो भुने हुए जीरे का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने आराम आराम से जीरे को अच्छे से भून लिया है, एकदम डार्क कलर का हो गया है। इस स्टेज तक आपको जीरे को भूनना है। एक बार जीरा इस स्टेज तक आपका भून जाए, इसको एक प्लेट के अंदर आप ट्रांसफर कर लीजिए। फिर इसी गरम पैन के अंदर 2 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 4 से 5 तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अजवाइन, ये चीज़ें डालकर आप अच्छे से इसको लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कीजिए जब तक कि इसकी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती है। एक बार आपने इन मसालों को अच्छे से भून लिया हो तो आपको इन मसालों को वो जीरे वाली प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है और सारे मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। एक बार आपके मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएं, तब इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में कुछ और चीज़ें आपको ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून नमक। अब इन सारी चीज़ों को आपको साथ में पीस लेना है और एक फाइन पाउडर बना लेना है। आपको अगर थोड़ा सा ये मसाला दरदरा अच्छा लगता है तो आप दरदरा भी पीस सकते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया है और हमारा स्पेशल दही भल्ले वाला मसाला रेडी हो गया है। हमारा स्पेशल दही भल्ले वाला मसाला भी रेडी हो गया और आपने देखा कितनी आसान रेसिपी, एकदम सिंपल मसाले हैं, लेकिन ये वाला जो मसाला है ये आप दही भल्लों के ऊपर या कोई भी दही वाली चाट बना रहे हैं घर पर उस पर डालिए, आपकी चाट बहुत ही डिलिशियस लगेगी। अब हमारा लास्ट कॉम्पोनेंट रह गया है दही भल्लों में, जो दही की फ्लेवरिंग है और दही का टेक्स्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे एकदम वेलवेटी दही होना चाहिए। वो दही कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक छन्नी के अंदर 2 कप दही ऐड कीजिए, साथ ही में 1/4 कप पीसी हुई शक्कर और 1/2 टीस्पून काला नमक। अब अच्छे से आपको मिक्स करते हुए इन इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है, दही को अच्छे से छान लेना है। एकदम फाइन सीव का, फाइन छन्नी का इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होगा आपके दही में एकदम वेलवेटी और एकदम मखमली टेक्सचर आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने दही को अच्छे से छान लिया और एकदम वेलवेटी हमारा दही हो गया है, इसका एकदम टेस्ट भी बेहतरीन आएगा और हमारा दही भल्ले वाला दही रेडी हो गया है। तो दही भी हमारा तैयार हो गया और तीनों कॉम्पोनेंट्स हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। दही में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दही आपका एकदम चिल्ड होना चाहिए। तो आपने एक बार छान लिया दही को, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए और जब भी दही भल्ले बना रहे हो एकदम चिल्ड दही यूज़ कीजिए, तो ही आपको मज़ा आएगा। चटनियाँ भी जो हैं वो भी आपको चिल्ड यूज़ करनी है। मैं आज मीठी चटनी और तीखी चटनी यूज़ कर रहा हूँ और वो मैंने पहले चैनल पर बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में कुछ और इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सोख की हुई बूंदी, थोड़े अनारदाने, वो यूज़ कर रहा हूँ असेंबल करने के लिए दही भल्लों को। तो सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है, मैंने सेटअप तैयार कर रखा है, लेट्स असेंबल आवर दही भल्ले YFL स्टाइल।
हमारे एकदम सॉफ्ट और एकदम डिलिशियस दही बल्ले रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो इसी तरीके से इन दही बल्लों को बनाओ, एकदम सॉफ्ट बनेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें जो दही है वो एकदम चिल्ड आपको यूज़ करना है, तो ही आपको मज़ा आएगा। चटनियाँ भी एकदम चिल्ड करके यूज़ कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस रेसिपी। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कॉमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल दही बल्ले रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।